सियासी खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच चुकी है। नैब टीम अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। जेल जराए के मुताबिक नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़्यादा तफ्तीश की थी। आपको बताते चलें कि नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुँच चुकी है। हमारे नुमाइंदा चौधरी सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। चौधरी सजाद बताइएगा, कल भी 3 घंटे के लिए तफ्तीश की गई थी, आज भी तफ्तीश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखे अडियाला जेल से हम आपको अपडेट दें, तो जब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के नोटिफिकेशन जारी हुए तो उसके बाद से तफ्तीश का अमल जो है वो मुख्तलिफ टीमें जो है वो कर रही हैं। आज फिर से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना नए रेफरेंस में गिरफ्तारी का मामला नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल इस वक्त पहुंची है। कि जेल जराए का मजीद ये कहना है कि नैब टीम अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। जेल जराए का मजीद ये कहना है कि नैब टीम गुजश्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की थी। जेल जराए का मजीद ये कहना है कि नैब टीम ने तोशा खाना के नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तारी जाहिर की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ैच ने 14 जुलाई को दोनों मुल्जमान को 8 जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था और उसके बाद से तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। अब ये देखना है कि टीम 2 घंटे पहले आई थी, अब कितनी देर मजीद इनसे तफ्तीश करती है इसमें कुछ कहना काबिल जवाब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सजा तफसीलात के लिए।